जैसे तारीख पे तारीख मेरिट लिस्ट का हो रहा है ना, वैसे इनकी शादी का तारीख पे तारीख हो रहा है। हमारी मांग यही है कि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो और ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, क्योंकि 7.5 साल हो चुका है, अब और इंतजार नहीं हो सकता है। जिस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर आए उस सीढ़ी को तोड़ने का कोशिश ना करें नीतीश कुमार जी, नहीं तो वैसे भी इनका जो है डमाडोल है सब कुछ। और 2005 से अभी तक आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और अभी अगर अंत में अगर आप इन युवाओं के साथ न्याय नहीं कीजिएगा, तो आप ही ने कहा था अंत भला तो सब भला, तो जब आपका अंत बुरा होगा तो आप हमेशा इतिहास के पन्नों में अच्छे चीज़ के लिए याद नहीं किया जाइएगा, बुरा चीज़ के लिए याद किया जाएगा आपको कि युवाओं के साथ आपने अन्याय किया, अत्याचार किया। देखिए NCL एक बहाना था, BSSC को इसके आर में बहाली को लटकाना था, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। हमारी शांति और हमारी जो ये शांतिपूर्वक आंदोलन, उसको हमारी कमजोरी मत समझिए। ये बिहार का युवा है, जिस दिन उबलेगा ना ज्वालामुखी फटेगा, जैसे NTPC में फटा था। ज्वालामुखी को कोई नहीं रोक पाएगा, नीतीश कुमार जी तो छोड़ दीजिए, जब से ये क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी नहीं रोक पाए तो नीतीश जी किस खेत की मूली है। आई थी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली, और 7.5 साल बीत चुका है और अभी तक वो बहाली पूरी नहीं हुई है, और अभी इसका मेरिट लिस्ट आना है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आना है, और फाइनल रिजल्ट के लिए परीक्षार्थी परेशान है। और 13,120 सीटों पे ये वैकेंसी आई थी, और बिहार के सभी डिपार्टमेंट में सभी जिलों में नियुक्ति होनी थी कर्मचारियों की। और आप देख रहे होगा कि अखबारों में मंत्री जी का बयान हर एक 2 महीना पे आता है कि 1 महीना के अंदर में इतना राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति कर ली जाएगी, ये पिछले 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हुई है और इसी से होनी है नियुक्ति। तो ये बड़े दुख की बात है कि हजारों अभ्यर्थी इसमें फंसे हुए हैं, और 7.5 साल हो चुका है, और इस दरमियान हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई है, अब वो कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कहीं भी नहीं भर सकते। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, उनका बाल बच्चा भी फॉर्म भर रहा होगा। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, ये सच्चाई है, जिनकी शादी रुकी हुई है सिर्फ मेरिट लिस्ट के चलते, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं हुई है। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सिस्टर की शादी रुकी हुई है, जैसे तारीख पे तारीख मेरिट लिस्ट का हो रहा है ना, वैसे इनकी शादी का तारीख पे तारीख हो रहा है, तो ये बहुत गलत है ये। और मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ, अगर जिनको विश्वास नहीं हो, मेरे पास प्रूफ है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है, फोन कॉल आया हुआ है कि सुसाइड करने जा रहे हैं। रात के 2 बजे में स्टूडेंट्स फोन करते हैं कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना दुख होगा उनके अंदर, कितना दर्द होगा कि 2 बजे रात में कोई स्टूडेंट्स फोन करे कि हम जा रहे हैं सुसाइड करने। वीडियो कॉलिंग करके फंदा लगाते रहता है कि हम जा रहे हैं पंखा में लटकने। आप बताइए आपकी मांग क्या है। हमारी मांग यही है कि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो और ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, क्योंकि 7.5 साल हो चुका है, अब और इंतजार नहीं हो सकता है, और इन सारे अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, और 7.5 साल से जो बनवास है वो खत्म होना चाहिए। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि BSSC के सचिव और अध्यक्ष महोदय से मिलकर हम लोग अपनी मांगों को रखें कि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि आजकल हो रहा है और जारी नहीं किया जा रहा, और BSSC अपने तरफ से कोई भी सूचना नहीं दे रही कि इस मामले में हम क्या कर रहे हैं, कब क्या किया जाएगा, क्यों नहीं दे रही है सूचना। जब आंदोलन करते हैं तो सूचना देते हैं कि हम FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप मेरिट लिस्ट पे क्यों नहीं सूचना दे रहे हैं कि कब आप जारी कीजिएगा, 1-2 लाइन का आपको सूचना देना, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन दिलीप जी बताइए, हर महीने बेरोजगार युवा जो है लगभग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसका कोई फल निकलता नहीं है, सरकार के कान पर जू नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है, फल कैसे नहीं निकलता है, अभी NTPC का एग्जाम्पल सामने है, सरकार को झुकना पड़ा, मांग माननी पड़ी, यही BSSC प्रथम इंटर स्तरीय बहाली ये कैंसिल होने वाली थी, रद्द होने वाली थी बहाली, अगर PT के रिजल्ट के लिए आंदोलन नहीं हुआ होता और उसके बाद मेंस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आंदोलन नहीं करते तो ये वैकेंसी ही रद्द हो जाती। सरकार को झुकाने में कामयाब हो पाएंगे, एकदम कामयाब होंगे, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में युवाओं की आवाज़ सरकार को सुननी पड़ती है। आज जो नीतीश कुमार जी हो, चाहे सुशील मोदी जी हो, चाहे लालू जी हो, कोई भी हो, सभी आज न कल स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स से ही आगे बढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़ाई किए उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग कम से कम पढ़ के आए हैं वो तो स्टूडेंट्स रहे हैं, और स्टूडेंट्स की पीड़ा को ये लोग को समझना चाहिए। जिस सीढ़ी को चढ़ के ऊपर आए उस सीढ़ी को तोड़ने का कोशिश ना करें नीतीश कुमार जी, नहीं तो वैसे भी इनका जो है डमाडोल है सब कुछ, तो कम से कम युवाओं की बात सुन लीजिए, नहीं तो फिर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, यही बोले थे 2020 के चुनाव में, बोले थे ना कि अंत भला तो सब भला। तो नीतीश कुमार जी, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं इन हजारों अभ्यर्थियों की तरफ से, 2005 में इन्हीं युवाओं ने आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया था, और 2005 से अभी तक आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और अभी अगर अंत में अगर आप इन युवाओं के साथ न्याय नहीं कीजिएगा, तो आप ही ने कहा था अंत भला तो सब भला, तो जब आपका अंत बुरा होगा तो आप हमेशा इतिहास के पन्नों में अच्छे चीज़ के लिए याद नहीं किया जाइएगा, बुरा चीज़ के लिए याद किया जाएगा आपको कि युवाओं के साथ आपने अन्याय किया, अत्याचार किया।
तो कम से कम ध्यान दीजिए, विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है, विधान परिषद में मुद्दा उठ रहा है, सरकार की तरफ से कोई सही जवाब नहीं आ रहा है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है ना। ये हजारों अभ्यर्थी यहाँ किस लिए आए? इनको शौक है कि धूप में आके आंदोलन करे। ये लोग नौकरी मिली हुई है इन लोगों की। ये मैं बता दूं, जो यहाँ के जिला प्रशासन या कोई आके बोलते कि फेल है, तो बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, ये लोग फेल अभ्यर्थी नहीं है, ये लोग पास अभ्यर्थी है, और इन लोग को नौकरी मिली हुई है, नौकरी मिली हुई है। 13,120 सीट है और 12,000 कुछ है पीएरई हुए काउंसिलिंग में, तो सभी की नौकरी है, सबकी है नौकरी। और इन लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। कितने शर्म की बात है। तो हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि आप जो है गठबंधन बदलिए, सरकार बदलिए, जो करना है पार्टी बदलिए, लेकिन इन युवाओं के साथ न्याय कर दीजिए, ताकि आप इतिहास में कहते हैं कि अमर हो जाना, युवाओं के नजर में आप अमर हो जाइएगा, आपका कार्य अमर हो जाएगा, लेकिन अंत में अगर आप युवाओं के साथ न्याय नहीं कीजिएगा तो काला अक्षर में आपका नाम लिखा जाएगा। लेकर कोर्ट में मामला गया है, उस पर क्या हुआ अभी तक? देखिए, एनसीएल एक बहाना था बीएसएससी को इसके आर में बहाली को लटकाना था। सीधी सी बात है, एनसीएल का मुद्दा किसने छेड़ा? 7.5 साल पहले ये वैकेंसी आई थी, क्यों नहीं बहाली पूरी हुई? एनसीएल का मुद्दा कब उछला? बीएसएससी ने, ओबीसी वो बता रहा हूँ मैं, वही ओबीसी का मुद्दा खुद बीएसएससी ने उछाला ताकि छात्रों को बांट दे। पहले क्या किया गया? एनसीएल का मुद्दा उठा के न्यू ओल्ड एनसीएल और कास्ट सर्टिफिकेट भी उसमें था, तो क्या किया गया? जनरल कैटेगरी को अलग कर दो, एससी एसटी ओबीसी को अलग करो। देखिए साजिश, देखिए नीतीश सरकार की और इस बीएसएससी की। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स अलग हो जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी अलग हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पीटी के रिजल्ट के लिए, पीटी के एग्जाम के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए, काउंसलिंग के लिए सभी परीक्षार्थी मिलकर आंदोलन कर रहे थे। ये चीज इन लोगों को जो है नहीं पचा कि छात्र एकजुट है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं, तो डर हो गया, तो बांटो पहले कैटेगरी में। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, अरे एससी एसटी ओबीसी को अलग कर दिए, जनरल को अलग कर दिए, तो हुआ ही नहीं। जब 13 दिसंबर को आंदोलन हुआ न्यू एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट सबको लेके कि न्यू ओल्ड सबको मान्य कीजिए, तो उसमें जनरल के स्टूडेंट्स भी आए थे, ओबीसी एससी एसटी सब आए थे, तो लग गया कि अब तो सब आए, अब क्या करें। अब देखे होइएगा आप लोग कि 10 बजे रात में हमको खींच के कैसे ले जाया गया था। उसके बाद क्या गेम खेला गया? कास्ट सर्टिफिकेट को वैलिड कर दिया गया, नया पुराना दोनों, यानी कि अब कास्ट के आधार पर बांटो, तो कास्ट वैलिड कर दिया गया, तो एससी एसटी अलग, ओबीसी में भी ओल्ड एनसीएल वाले अलग हो जाएंगे और जनरल कैटेगरी अलग और न्यू एनसीएल वाले अलग हो जाएंगे। ये बांटने की साजिश सरकार की चल रही है। सरकार को नौकरी देने का कुछ मन नहीं है क्या? नौकरी देने का बिल्कुल मन नहीं है, नहीं तो 7.5 साल में मुख्यमंत्री दी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए, और हो सकता है 3री बार भी गठबंधन बदले या जो करे, तो ये कितने शर्म की बात है। एक वैकेंसी पूरी नहीं हुई तो बड़ी शर्म की बात है। और न्यू एनसीएल का जो बात आप लोग कर रहे हैं, तो ये मामला कोर्ट में है और सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जा चुका है बीएसएससी को, तो फिर अब किस लिए देरी है भाई? जब बीएसएससी ने 13 दिसंबर को नोटिस जारी करके कहा था, आप देख लीजिए अभी भी उनके वेबसाइट पे होगा, कि सरकार के दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे, तो सरकार ने दिशा निर्देश दे दिया, तो आप पालन कीजिए। 25 फरवरी को ही दे दिया, तो अब आप जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। हम लोग तो यही मांग कर रहे कि मेरिट लिस्ट, ओनली मेरिट लिस्ट चाहिए, इन लोग की नौकरी चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर ये बिहार की धरती है। एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के आंदोलन को याद कर लीजिए एक बार, बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, हमारी शांति और हमारी जो ये शांतिपूर्वक आंदोलन, उसको हमारी कमजोरी मत समझिए। ये बिहार का युवा है, जिस दिन उबलेगा ना ज्वालामुखी फटेगा, जैसे एनटीपीसी में फटा था, उस ज्वालामुखी को कोई नहीं रोक पाएगा। नीतीश कुमार जी तो छोड़ दीजिए, जब से ये क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी नहीं रोक पाए, तो नीतीश जी किस खेत की मूली है, उनके बस की कहां सी बात है जी, नहीं रोक पाएंगे। लेकिन बाद में सरकार में आ गए, हर बजट में सुशील मोदी जी ये कहते हैं कि इतना वैकेंसी निकालेंगे, इतना 13,120 को हर ये बजट में जोड़ते थे कि इतना बहाल करेंगे, तो अभी सुशील मोदी जी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम एक शब्द बोल तो दीजिए इस पे कि मेरिट लिस्ट जल्द जारी होना चाहिए। क्या आपके मुंह में कुछ जमा हुआ है, फेविकॉल लगा हुआ है, तो बोलिए, हम लोग आके निकाल देते हैं। नहीं तो ऐसा जो है दुमुहा काम मत कीजिए आप लोग। दिलीप जी, आप लोग मेरिट या मौत मांग रहे हैं, इतना परेशान। मैंने पहले ही कहा ना कि बीएसएससी के जो परीक्षार्थी है 2 बजे रात में कॉल करके, वीडियो कॉल करके बोलते हैं कि हम फंदा लगा रहे हैं फांसी का, अब बताइए हम क्या करें। लड़की लोग दुपट्टा लगा के बोलती है हम फांसी लगा रहे हैं, अब बताइए। तो ये उन लोग का दर्द झलक रहा है। अभी तक सैकड़ों लोग जो स्टूडेंट्स हैं सुसाइड कर चुके होते, हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के उनके गार्जियन से विनती करते हैं कि बच्चे को समझाइए, अकेला मत छोड़िए। अब सोचिए कितने दुख की बात है कि अकेला छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, कि अकेला कहीं रहेगा डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड कर लेगा।
अब एक गार्जियन उनके, एक आदमी उनको मतलब देखने पे है कि कहाँ जा रहा है बच्चा, क्या कर रहा है। तो सर मानी चाहिए लोगों को, जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर दिए, यही हम लोग विनती कर रहे हैं। हम लोग जो है उपद्रवी नहीं है, लेकिन हम लोग को उपद्रवी बनने पर मजबूर ना करें ये बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी। ये तो जिस दिन उपद्रव पे उतर जाएंगे ना, तो कोई नहीं संभाल पाएगा, कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि युवा युवा से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। युवा के सामने कोई किसी का नहीं चलेगा। युवा चाह लेगा ना तो विधानसभा जाके गिर जाए। अभी बजट सत्र चल रहा है, क्या बिहार के 243 विधायकों को, दो चार को छोड़ दीजिए, दो चार को उठाते हैं मुद्दा, बाकी जो 243 में से 240 विधायक है वो लोग घंटी बजाने के लिए है, झुंझुना बजाने के लिए कहिए तो हम लोग झुंझुना बजा के दे देते हैं। ये मुद्दा हम लोग को नजर नहीं आ रहा है, खाली बयानबाजी करने के लिए आ रहा है ना। अभी हम किसी जाति का मुद्दा उठा देना तो तुरंत विधानसभा में मुद्दा उठेगा और विधायक आ जाएंगे धरना पे। लेकिन ये जो सही मुद्दा है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों की बात है, बिहार के विकास की बात है। देखिए विकास की बात मैंने क्यों कहा, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि न्याय के साथ विकास, और बिहार का विकास कर रहे हैं। जब कर्मचारी ही नहीं ऑफिस में रहेंगे तो विकास कैसे होगा भाई। राजस्व कर्मचारी का पटना में आया था कि 176 में से 55 स्टाफ है, अब सोचिए कैसे काम हो रहा होगा। पूरे बिहार में जो है पूरा दाखिल खारिज पड़ा हुआ है 6 लाख। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, मैं अपने आप को प्रतियोगी परीक्षार्थी ही कहता हूं, लेकिन छात्रों ने मुझे छात्र नेता बना दिया है काम के वजह से, तो छात्र नेता दिलीप कुमार कह सकते हैं। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के का मैं अध्यक्ष हूं, और इन लोगों ने ही बनाया है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, बिहार के छात्र छात्राओं ने बनाया, किसी पॉलिटिकल संगठन नहीं है, किसी का पॉलिटिकल नहीं है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।